वैसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है रूस की तरफ से, जब रूस ने सीरिया को लेके इसराइल को धमकी दी है और कहा है कि सीरिया को इसराइल और ईरान की लड़ाई का खड़ा नहीं बनने देंगे। रूस के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा है कि मास्को इसराइल और ईरान के बीच टकराव के लिए सीरिया को खड़े के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। हाल में ही रशिया के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया के विदेश मंत्री ने इसराइल को आश्वासन देते हुए कहा है कि रूस सीरिया के कब्जे वाले राज्य और खतरों को हमलों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देगा। लावरोव ने कहा कि हमारे प्यारे इसराइली साथियों, अगर आपके पास तथ्य है कि आपका राज्य सीरिया के क्षेत्र से खतरों का सामना कर रहा है तो तत्काल रिपोर्ट करें, हम खतरे को बेअसर करने के लिए हर उपाय करेंगे। बस देखने वाली बात यह है कि रूस के इसराइल को इस तरह मैसेज देने के बाद इसराइल की परेशानी बढ़ गई है। अब इसराइल को सीरिया में हमला करने से पहले कई बार सोचना होगा। सर्गेई ने दोहराया कि रूस अमेरिका सेना पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वे सीरिया के संबंध में राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर वाशिंगटन के साथ किसी भी वार्ता में शामिल भी नहीं होते। सर्गेई ने कहा कि अमेरिका सैनिक का सीरिया में होना किसी भी तरीके से लीगल नहीं हो सकता। इस देखने वाली बात यह है कि सीरिया ऑलरेडी लड़ाई का खड़ा बन ही चुका है, जहां पर रूस अमेरिका तुर्की ईरान के सैनिक मौजूद है, और इस तरह इसराइल की भी एंट्री होना बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है।